चलो और कोई आ रहा है क्या? वैक्सीनेशन हो गया सबको? यस यस सर। तो जिस जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन करा लेना, ठीक है? और वैक्सीनेशन स्कूल में कैंप लग रहा है क्या? हाँ स्कूल में कैंप हो सकता है, किसी एग्जाम्स के पर्पस से आपको स्टूडेंट बुलाया जाए ग्रुप्स में अलग अलग बैचेस में, तो आप अभी से प्रिपेयर रहिएगा, वैक्सीनेशन वगैरह करा लीजिएगा, सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, और सर्टिफिकेट जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना, है ना? यस सर। चलिए तो अब शुरू करते हैं, अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देखिए क्या होता है, हमने बात की थी कि जब भी हम टेबल पे पानी को गिराते हैं, पानी को ड्रॉप करते हैं, तो पानी पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फैलता है। अब अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होती, अगर पानी के अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं होती तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी फेल करके और वहीं पे रुक जाता। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पानी वापस से श्रिंक हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। देखिए हमने प्रैक्टिकल किया था क्लास के अंदर, पानी के ऊपर से पॉर किया था टेबल के ऊपर, जैसे टेबल पे पानी गिरता है फैलता है, और फैलने के बाद वापस से हल्का सा श्रिंक हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि there is a kind of energy which is attracting the molecules of each other, which is attracting the molecules. Good afternoon sir. Very good afternoon. तो ये चीज हमने देखी थी, तो उसी एनर्जी को, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, पानी वापस से श्रिंक क्यों हो जाता है हल्का सा, बिकॉज ऑफ द सर्फेस टेंशन एंड द सर्फेस एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर लिक्विड अपने आप को मिनिमम वॉल्यूम में कंटेन करना चाहता है। हर लिक्विड यह चाहता है कि वो कम से कम फैले, तो जब लिक्विड और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर हमने लिक्विड फिल कर रखा है तो ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर वाले जो एटम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स एयर के साथ में कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एयर के साथ में कांटेक्ट होने के कारण इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कम होता है, जिसके कारण इनके आपस में जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। तो हमें ऐसा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम टेबल के ऊपर पानी को ड्रॉप कर रहे थे तो पानी ऐसे फैल रहा था, वापस से श्रिंक हो रहा था, तो ऊपर वाली लेयर जो होती है वो ज्यादा श्रिंक होती है एज कंपेयर टू द इनर लेयर। तो अंदर वाली लेयर के कंपेरिजन में ऊपर वाली जो लेयर है वो ज्यादा श्रिंक होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां आया समझ में? Yes, sir. इसी का तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि अलग अलग लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन होता है। कैसे? आपने देखा होगा पानी काफी डाइल्यूट होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑयल थोड़ा सा और ज्यादा स्टिकी होता है। जब हम ऑयल को पानी में डालते हैं तो क्या वो दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दोनों की सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट मिक्सिंग ईच अदर। आप चाहे ऑयल में पानी डालो या पानी में ऑयल डालो, वो कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, दोनों के बीच में एक सेपरेट लेयर होगी। व्हाई? बिकॉज देयर एनर्जी लेवल एंड द सरफेस टेंशन आर रियली वेरी डिफरेंट। उसके अलावा उसी की जगह अगर हम हनी की बात करें, हनी को अगर आप वाटर में डालोगे तो वो सोल्यूबल होता है ना, मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन और इसकी सरफेस टेंशन में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी भी वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती है। ग्लास के ऊपर रखोगे मिक्स नहीं होगी, फैली रहेगी ना, उसको आप कितना भी घिस दो वो वापस से ज्वाइंट हो जाती है मरकरी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। चलिए अब क्वेश्चन ये अगर होता है कि सर मैथमेटिकली हम इसे कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब तक हम यही करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, फिर हम ये देखते हैं कि हो क्या रहा है, फिर हम ये देखते हैं कि उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं,
फिर हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम उसके एप्लीकेशंस देखते हैं, फिर हम उसे मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं कि भाई मैथमेटिकली हम किस तरीके से इसे शो कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूलास। तो यहां पे भी हम सरफेस टेंशन का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, डिराइव करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन है, समझेंगे कैसे क्या काम होता है। अब देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यू शेप का तार लेते हैं, वायर, एक वायर है, उस वायर को हमने ऐसे यू शेप में बेंड कर दिया, यू शेप में बेंड कर दिया, और उसका ये जो लास्ट वाला पार्ट है यहां पे हमने एक मूवेबल वायर लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया हमने, एक मूवेबल वायर लगा दिया। यहां पे हमने एक मूवेबल वायर लगा दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए ये जो यू शेप का वायर है ये फिक्स्ड है, और ये जो ब्लैक कलर का साइड है, ये वाली साइड जो है वो मूवेबल है, सबको विजिबल है ब्लैक वाली वायर साइड? यस यस सर। अब ये वाला जो पार्ट है ये मूवेबल है, अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसे वाटर में डिप करेंगे, कौन सा वाटर है ये, बबल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर सॉफ्ट वाटर समझो, सॉफ्ट वाटर जिसे हम बबल्स बनाते हैं ना, वो वाला वाटर है, वो वाला मिक्सचर है जिसके अंदर क्या होता है, पानी के अंदर हम शैम्पू या फिर कोई भी सॉफ्ट डिटर्जेंट मिला देते हैं ना, तो वो बन जाता है हमारा बबल सॉफ्ट वाटर। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर के अंदर हमने इसे डिप किया, इसे डीप करा तो हमने देखा कि भाई ये जो वायर है वो यहां पे था इनिशियली, अभी इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और ये लेंथ कितनी है, एल है, लेंथ कितनी है, एल है, डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि धीरे 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 हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ब्लैक वाली स्ट्रिप है वो डेल डी डिस्प्लेसमेंट कवर करके, डेल डी डिस्प्लेसमेंट कवर करके और लेफ्ट हैंड साइड पे खिसक जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे खिसक जाती है, ये जो स्ट्रिप थी हमारी जो चौथा साइड था वो फोर्थ वाली साइड जो है वो खिसक जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे डेल डी डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर लिक्विड अपने आप को क्या करना चाहता है, श्रिंक करना चाहता है, मिनिमम वॉल्यूम में कंटेन करना चाहता है, उसे अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है, जिसके कारण ये वाली जो साइड थी ये वाली फिक्स है। अब देखो ये वाली फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये वाली ये मूवेबल है, तो सारा की सारा सरफेस फोर्स, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी कहां लगेगी, इस वाली साइड पे लगेगी, तो इस वाली साइड जो है वो हमारी डेली डिस्टेंस ट्रेवल करके और हल्की सी खिसक जाएगी, और फिर ये रेस्ट पे आ जाएगी। अगर यही चीज हमारी सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी नहीं होती तो जिस साइड पे जितने डिस्टेंस पे हम इसे डीप करते हैं और बाहर निकालते हैं उसी साइड पे ये फिक्स रह जाती, लेकिन चूंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, वो इसे मिनिमाइज करना चाहेगी, तो ये हल्की सी हमारी स्लाइड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड हो जाएगी। अब देखिए अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा, डेल डी, तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डेल डी, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ डॉट डेल डी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी की, ये तो हो गया हमारा वर्क डन, ये हो गया हमारा वर्क डन इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं कि मान लीजिए पर यूनिट एरिया पे हमारी सरफेस एनर्जी जो है वो कितनी थी, एस थी, पर यूनिट एरिया पे सरफेस एनर्जी जो है वो एस थी, ठीक है, तो टोटल एरिया में कितनी सरफेस एनर्जी होगी, टोटल सरफेस एनर्जी भाई हमारी पर यूनिट एरिया में एस ले ली हमने, तो टोटल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही होगी जितना यहां पे चेंज इन एरिया हुआ है, भाई एरिया में चेंज किसके कारण हुआ, सरफेस एनर्जी के कारण हुआ है, तो पर यूनिट एरिया पे मान लीजिए एस सरफेस एनर्जी थी, तो टोटल जितना चेंज हुआ उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास टोटल सरफेस एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल सरफेस एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टोटल चेंज इन एरिया, टोटल चेंज इन एरिया, टोटल चेंज इन एरिया कितना होगा, देखो एस इज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया पे हमारी सरफेस एनर्जी कितनी है, हमारी
कितनी है, मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन एरिया। टोटल चेंज इन एरिया कितना हुआ, देखिए इसकी लेंथ थी एल, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल डी, तो क्या एल इंटू डेल डी, एल इंटू डेल डी हमारा टोटल चेंज इन एरिया हुआ। नाउ बुक के अंदर अगर हम देखें तो बुक में दे रखा है एस इंटू टू इंटू एल इंटू डेल डी। तो क्वेश्चन ये अगर होता है कि सर ये यहाँ पे टू कहां से आया, टू कहां से आया, प्रैक्टिकली अगर हम देख रहे हैं तो हमारे टोटल चेंज इन एरिया तो एल इंटू डेल डी हुआ है, और टोटल एनर्जी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हमारी एस है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एस इंटू टोटल चेंज इन एरिया हो जाएगी, एस इंटू टू इंटू एल इंटू डेल डी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ पे टू कैसे आ गया, तो देखो टू का लॉजिक क्या है, अगर हम बात करें इस लेयर की, अगर हम बात करें इस लेयर की, तो क्या इस लेयर के दो फेसेस है, एक फेस ये वाला हो गया एक फेस ये वाला हो गया, तो क्या टोटल दो सरफेस है हमारे पास, इसकी टोटल दो सरफेस है, जैसे हमने डिप किया इस पूरे स्ट्रक्चर को, हमने डिप किया सॉफ्ट वाटर के अंदर, तो एक लेयर इस तरफ बनी है और एक लेयर के मॉलिक्यूल्स जो वो इस तरफ है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो टोटल कितनी लेयर्स है हमारे पास, दो लेयर्स है, तो टोटल चेंज इन एरिया भी कितना हो जाएगा, टू टाइम्स एल इंटू डेल डी, तो टोटल सरफेस एनर्जी हो जाएगी 2s into l into del d, 2s into l into del d, this is the total surface energy, this is the total surface energy, clear है यहां तक, याद है clear सबको, yes sir। अब देखिए जो यहां पे वर्क डन हो रहा है हमारा, क्या टोटल वर्क डन जो है वो टोटल सरफेस एनर्जी के कारण ही हो रहा है, ये सरफेस एनर्जी लिक्विड के अंदर थी तभी तो ये वर्क डन हुआ है, तो क्या ये वर्क डन टोटल सरफेस एनर्जी के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर टू इक्वेट करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर वन इक्वेटिंग, इक्वेशन वन विद इक्वेशन टू, तो कितना हो जाएगा, एफ डॉट डेल डी is equals to f dot del d is equals to 2s l into del d, del d से del d गायब आ गई, क्या बचा हमारे पास, f is equals to 2s into l, s is equals to कितना हो जाएगा, f upon 2l, f s upon s is equals to f upon 2l, this is the equation number 3। तो ये equation है हमारी टोटल सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में सरफेस एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन टू इनटू एल, क्लियर है, आया समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, एक कंसेप्ट पढ़ा, कौन सा कंसेप्ट था, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है हमारी, कि जो भी लिक्विड है वो लिक्विड अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है, हर लिक्विड अपने आप को क्या करना चाहता है, श्रिंक करना चाहता है। इसका एग्जांपल कैसे किया था हमने, टेबल पे पानी को ड्रॉप किया था, हमने देखा पानी पहले फैलता है फिर हल्का सा श्रिंक होता है, हल्का सा श्रिंक होता है, ठीक है, तो वो श्रिंक क्यों होता है, ड्यू टू देयर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, विच काइंड ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द सरफेस एनर्जी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। टेंशन क्या होता है, तनाव, तनाव मतलब कि भाई रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने ऐसे खींच दिया तो क्या एकदम टाइट हो जाएगा, तनाव आ जाएगा उसके अंदर, स्ट्रेस आ जाएगा उसके अंदर, टेंशन आ जाएगी उसके अंदर, ये चीज होती है। मानसिक रूप से तनाव बोलते हैं ना, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन है ना, ये सारी चीजें क्या होती है, तनाव होती है, तनाव। तो भाई इसके कारण हमारा ये जो वाटर है वो अपने आपको श्रिंक कर रहा था, हर लिक्विड अपने आपको मिनिमाइज करना चाहता है, मिनिमम वॉल्यूम में रखना चाहता है, तो उसे हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम उसे मैथमेटिकली डिराइव करना चाहते हैं कि भाई सरफेस एनर्जी कितनी होती है, किस किस पे डिपेंड करती है, कैसे काम करती है। तो हमने क्या लिया, एक यू शेप का वायर को बेंड किया, उसकी एक साइड को हमने मूवेबल रखा, उसे हमने सॉफ्ट वाटर के अंदर डीप करा, हमने देखा कि जो मूवेबल वॉल थी वो वाली वॉल जो है वो हल्की सी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रही है, हल्की सी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो ये मूव किसके कारण कर रही है, ड्यू टू सरफेस एनर्जी कर रही है। अब हम मैथमेटिकली निकालते हैं, तो यहाँ पे जब मोशन होगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डेफिनेटली वर्क डन होगा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल डी हुआ है, ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर वन आ गई। सेकेंड इक्वेशन कि भाई माना हमने पर यूनिट एरिया में सरफेस एनर्जी जो है वो एस है, तो टोटल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टोटल चेंज इन
एरिया दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू एल इंटू डेल डी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि भाई साहब ये जो लिक्विड है उस लिक्विड की दो लेयर्स, एक इस तरफ वाली एक इस तरफ वाली, तो टोटल चेंज इन एरिया भी कितना होगा दोनों लेयर्स का कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2s इंटू एल इंटू डेल डी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी गेट समथिंग एफ इंटू डेल डी इज इक्वल टू 2s एल इंटू डेल डी, डेल डी से डेल डी गाय खा गई, एफ इज इक्वल टू 2s इंटू एल हो गया, एस इज इक्वल टू एफ अपॉन 2l, एस इज इक्वल टू एफ अपॉन 2l, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इन आवर दिस लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्टेक्ट एंगल एंड कैपिलरी राइज। आज के टॉपिक में किसी को डाउट हो तो पूछिए। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? नो सर। चलिए कल ये क्लास करते हैं अपन, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिलरी राइज। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ ये रिकॉर्ड हो गई है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ना, टिल द इवनिंग। सर हाँ एक और क्लास होगी कब? नहीं अभी टाइम टेबल आपका चेंज हो गया है, वो टाइम टेबल आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा मैं आज, है ना? यस सर।